मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे चिराग। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इस बार के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान हाजीपुर सीट से चुनाव जीते और सांसद बने। इसके साथ ही उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में भी जगह मिली। चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बनाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद शनिवार को पहली बार चिराग पासवान पटना आए। इस दौरान उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। यहां आते ही लोगों ने पटना एयरपोर्ट पर चिराग पासवान का ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। पटना एयरपोर्ट पर आने के बाद चिराग पासवान ने मीडिया से कई मुद्दों पर बातचीत की है, साथ ही बिहार में बड़े बदलाव का भी ऐलान किया है। चिराग ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, फूड एंड प्रोसेसिंग मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और बिहार कृषि प्रधान राज्य है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हमने हमेशा कहा है कि बिहार में प्रोसेसिंग यूनिट होने चाहिए, जिससे किसानों के हाथ में ज़्यादा आमदनी आए। आगे चिराग ने अपनी कार्य योजना पर भी बात की। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में बिहार में भी कई ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट खोले जाएंगे। चिराग ने बताया कि हाजीपुर का केला हो, मुजफ्फरपुर की लीची हो या मखाना हो, आम हो या जो भी इस तरह के उत्पाद हैं, उन्हें यहीं पर प्रोसेस्ड किया जाएगा और यहीं पर पैकिंग होगी। इससे ना सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, उसे मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाऊंगा। वहीं मीडिया से उन्होंने बातचीत करते हुए नीट पेपर लीक मामले पर सवाल का जवाब दिया। चिराग पासवान ने कहा कि नीट पेपर लीक का मामला बहुत गंभीर है, इसमें सरकार सभी के हितों पर ध्यान रख रही है। नीट पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार को घेरा है। इस मामले पर चिराग पासवान ने कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री को घेरना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कुछ छात्र ऐसे हैं जो री एग्ज़ाम के लिए कह रहे हैं, तो कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो री एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं। सरकार इन सभी पहलुओं को देख रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले की अभी जाँच चल रही है। ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है, सही समय पर सरकार सही फैसला लेगी, लेकिन जो भी फैसला होगा वो छात्रों के हित में होगा। उन्होंने कहा कि मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी इन सब पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दोषी कोई भी हो, जिसने भी ये बड़ी लापरवाही की है, जिसने भी गुणवत्ता के साथ भ्रष्टाचार किया है, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पुल गिरने के मामले को भी उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जो भी इस तरह के अगले निर्माण होंगे उसमें भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। एक फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर के तौर पर आपको चिराग पासवान से क्या उम्मीद है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।